गुड मॉर्निंग, जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अपने घर में सब कुछ होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है और दोबारा से स्वागत है। और तो, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज का ब्लॉग इस प्रकार है कि हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये देखिए दक्ष के पीठ में बैग है। अभी हम लोगों को भी नहीं पता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। दो तीन जगह की प्लानिंग है तो देखेंगे जाएंगे कहाँ। आप लोग फिलहाल कंटेंट देख के समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये पकड़ो मास्क, बट हमें अभी कंफर्म नहीं पता है। हमने दो तीन जगह का प्लान किया है तो देखते हैं पहुंचते कहाँ हैं। फिलहाल हम लोगों ने खाना बना के रख लिया है। चने, पूरी, आलू, चटनी, चाय, पानी सब कुछ हमने रख लिया। रेडी हम हो गए। ये सूट मैंने पहना हुआ है, मम्मी का लुक। ये मेरा लुक है, ये मैंने सूट पहना है जो मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो कुछ इस तरीके का मेरा सूट लग रहा है। आप लोग बता रहे आपको कैसा लग रहा है। और दक्ष ने मैंने करिए ट्यूनिंग, हम दोनों ने ब्लू ब्लू पहन रखा है ना। हाँ, ये ऊपर जाके जाओ, बंद करके आओ। तो फटाफट से हम लोग निकलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ जाने जा रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। लोई ज्यादा मजा आने, बहुत ज्यादा मजा आएगा। घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज कराएंगे। उसके बाद हम घर वापस आएंगे। तो चलो फटाफट से हम लोग निकलते हैं। और मैं जा रही हूँ, दक्ष जा रहा है, मेरी पड़ोस वाली है, उनके बच्चे, हम लोग जा रहे हैं। बहुत लंबे समय से हम लोग प्लान कर रहे थे कि कहीं जाते जाते, अभी भी हमारा कहीं और जाने का प्लान हुआ था और बीच में अब कल रात को हमारा कहीं और जाने का प्लान हुआ था, अभी अभी जस्ट चेंज हो गया। तो मैं भी अपने सैंडल्स पहनती हूँ और निकलते हैं हम लोग, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ पहुँचते हैं करके। अभी हम लोग पहुँच गए हैं आज हनुमान धाम मंदिर में और सब जने हैं यहाँ पर। पड़ोसी भी है, आंशी भी है, आंशी है बोल रहे, आदि भी है। अभी यहाँ से हम लोग प्रसाद लेते हैं फिर अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए। और मैं बिना स्वेटर के आ गई तो अभी ठंडा लग रहा है। कैसा लग रहा है पहुँच के? इसने टोपी पहन ली अपनी, बढ़िया लग रहा है। अभी यहाँ से शायद आगे गर्जिया देवी भी जाएंगे, देखेंगे क्या क्या होता है। पहले प्रसाद लेते हैं, अंदर चलते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं। और मैं पहली बार आई हूँ आज हनुमान धाम में, इससे पहले मैं कभी भी नहीं आई। दक्ष आया एक बार ना, दूसरी तीसरी बार आ रहा है, बट मैं नहीं आई, मैं आज पहली बार आई हूँ। तो पहले भी प्रसाद लेते हैं, अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं, जितना हो सकेगा उतना आप लोगों को भी दिखाएंगे। पूरा प्रसाद पूरा है, देखने में भी तो प्रसाद हमने ले लिया है। और अंदर ऊपर को मंदिर की तरफ को बैठे, आओ आगे आओ। धूप लग रही है और आते समय तो हम लोगों को लग रहा था बहुत ज्यादा। मैंने जीन्स पहन लिए, पीछे से धूप लग रही है, पीछे से धूप, मतलब धूप लग रही है तो इतना ज्यादा गर्म हो गया। स्वेटर पहन के नहीं आए, आंटी लोग स्वेटर पहन के आए तो उनका सही हो रहा था। और मुझे लग रही थी बहुत ज्यादा ठंडा रास्ते में। तो अंदर चलते हैं, देखिए एक बार आप लोग भी मंदिर को दिखा दो। ये कितना बड़ा मंदिर है ना, और ये अभी भी बन ही रहा है इतने सालों से, करीबन 6-7-8 सालों से ये बनने में ही लगा है और अभी भी बन ही रहा है। चलो तो पहली बार आ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले हम भी आराम से एक बार दर्शन कर लेते हैं। मैं तो आ चुका हूँ एक बार, मैं तो पहले वैसे एक बार आ रखा हूँ, पहले की तरह ही है जब बन रहा है। हाँ। पहले भी ऐसे ही था। तो चलो फिर अंदर तो चलते हैं। हमारे हो गए हैं यहाँ पर, देखिए बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से। पूजा की थाली मेरे हाथ में है, दक्ष और ये सब लोग उधर को चले गए और मैं भी जा रही हूँ पीछे पीछे को, फोटोज़ खिंचवा ली यहाँ पर हमने बहुत सारी। अभी आगे को जा रहे हैं हम लोग, देखिए वहाँ भी कुछ है ऐसे बना हुआ है, देखेंगे वहाँ जाना पॉसिबल होगा तो जाएंगे। पीछे पूरा जंगल है, नदी है इसके पीछे पूरा, और इस टाइप का है पूरा मंदिर, बहुत खुला खुला है बहुत ज़्यादा। दक्ष लोग वो वहाँ पहुँच गए हैं, मैं यहीं रह गई। हमारे दर्शन यहाँ पर हो गए, तो चलो फिर अब तो देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। चाची गर्जा देवी जाएंगे हम, मम्मी को देखो पूरी पैक करके, हेलमेट पहन लो। चलो फिर अब मस्त करके ठंडी ठंडी हवा खाते जाते हैं, यहाँ पर तो गर्मी और सी अब ठंडी, रास्ते में ठंडा लग रहा था। हाँ चलो फिर अब तो मैं चलता हूँ, उसके बाद पहुँच के मिलेंगे या रास्ते में मिलेंगे। आगे गर्जा देवी यहाँ पर मस्त करके दर्शन करेंगे। जब मैं बहुत छोटा था तब आया था, याद भी नहीं होगा तुझे ना। याद है यहाँ तो सर सर की पानी भी है। जब मैं भी बहुत छोटी थी ना तब मैं भी आती थी नाना नानी के साथ बहुत ज्यादा। आदि लोग पीछे रह गए, थोड़ी दर्शन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा नदी में जाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, फिर खाना खाएंगे वहीं नदी के किनारे बैठ के, खाना भी घर से बना के लाएंगे। तो चलो फिर अब तो मस्त करके चलते हैं, उसके बाद अंदर आपको मिलेंगे। चलो फिर पहुंच गए हम लोग माता रानी के मंदिर में। ये देखिए पीछे गिरजा देवी मंदिर, आगे से भी आप लोगों को दिखाएंगे अभी। ये देखिए बहुत सुंदर है, और अपने मम्मी पापा के साथ बचपन में बहुत आती थी यहाँ पर। और इधर देखिए यहाँ पर नदी है, नदी बह रही है, चारों तरफ का व्यू कुछ ऐसा है। और दक्ष ने अपनी शर्ट उतार दी क्योंकि दर्शन हमारे हो गए माता रानी के, प्रसाद भी हमने चढ़ा दिया और बहुत सारे सब्सक्राइबर हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। ज्यादा ही सारे सब्सक्राइबर मिल गए, अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। अभी हम लोग अपने बैग्स लेते हैं, स्लीपर पहनते हैं और उधर नदी की तरफ चलते हैं, वहीं हम लोग खाना पीना खाएंगे और थोड़ा सा इन लोगों को नदी में नहाने की हो रही है। कहाँ गई यहाँ पर पानी में चले गए हैं और मैं फिसल रही हूँ।
ये आदि आंशी दक्ष जाओ 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 पानी में जाओ, आराम से जाना, फिसलना मत, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, मेरे को मत भिगाना बच्चों, चलो जाओ बेटा पानी के बीच में। यहाँ पर पत्थर के ऊपर बैठी हूँ और दक्ष बच्चे देखो यहाँ वैसे एंजॉय कर रहे हैं, मुनो इन्हीं के सारे मजे हो रहे हैं, सब लोग यहाँ वहाँ नहा रहे हैं। उधर मंदिर है और चारों तरफ ऐसा है, ये देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल और हम हैं पानी के बीचों बीच। नहा ही रहे हैं, हमारा हो गया है, मैं तो थोड़ा देर गई थी पानी में, अब हम लोग खाना खाते हैं और घर को जाते हैं। बहुत भूख भी लग रही है, बहुत धूप भी लग रही है, बहुत ज़्यादा, ये अभी तक भी नहाने में ही लगे हैं यहाँ बच्चे, इन्हीं के मजे आ रहे हैं बच्चों। मजा आया, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ पर हम खाना लेके आए हैं, इसमें पूरी चटनी चने ये चीज मैं लेके आई हूँ, और ये लेके आए हैं चाय, आलू के गुटके, मेथी की सब्जी और पूरिया। ये देखिए सारा खाना बच्चे यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं, ये देखो कैसा हो रहा है खाना, कोई बात नहीं, कैसा हो रहा है आदि खाना, ठंडी लग रही है, चाय चाय लाए हैं, चाय चाय पियोगे। मैंने मस्त करके नहा लिया है नदी में, वहाँ पर नदी में ही थे हम तो पूरे टाइम, खाना खाया नदी में वापस आ गए, फिर कितना मजा आया फिर नदी में, फिर नदी में तो खतरा करके नहा लिया। पहले ठंडा पानी लग रहा था, उसके बाद फिर पानी गर्म लगने लग गया था, बाहर ठंडा लगने लग गया था, गिरने आ रहा हूँ मैं। आदि ये देख नीचे देखिए, सी वाले प्लांट, ये ऐसे जो लगते हैं ऐसे। चलो फिर अब तो मैं चलता हूँ, मस्त करके, पर मैंने अलग कपड़े पहन लिए, मतलब पहले जैकेट के अंदर से टी शर्ट भी पहनी थी, अब टी शर्ट नहीं पहनी, अब खाली कमीज पहन ली है, वो आ रहा है वहाँ से। तो चलो फिर अभी तो हम चलते हैं, उसके बाद मिले। पहुंच गए हम घर, ये लड़का यहाँ पर है, इसने देखो दक्ष ने क्या लिया है, गर्जिया देवी से, दिखा दो बेटा ऊपर हाथ उठाओ, दक्ष ने लिया है ये कड़ा गर्जिया देवी से, और मैंने कुछ हाथ पे पहनने वाले लिए हैं, लाइक ऐसे जो मैं ब्लैक कलर के पहनती हूँ वो। और हम लोग 8:30 बजे घर से निकले थे और 8:30 से 3:30 बजे हम लोग घर पर पहुँच गए, उसमें हम लोग पहले हनुमान धाम गए, उसके बाद हम लोग गर्जिया देवी गए, उसके बाद हम लोग दोबारा हनुमान धाम गए, हमारा एक बैग वहाँ छूट गया था वो लेने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है पहुँचे आराम से, आते आते खाते खाते, लेकिन बहुत थकान हो गई, इतनी दूर गाड़ी चला के ले जाना, स्कूटी चला के ले जाना, बैक पेन हो जाता है, तो वो हो गई है। आके कपड़े चेंज कर लिए हैं और जो धोने वाले कपड़े वो भी मशीन में डाल दिए, जो बर्तन ले गए थे खाने पीने वाले मैंने वो भी धो लिए हैं, थोड़ी सी चाय बची है तो हम चाय लेके गए थे, तो उसको बर्बाद नहीं करके चाय पी लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और मम्मी को भी कॉल कर लेती हूँ क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होगी कि कहाँ रह गई करके, तो मम्मी से बात करते करते अभी चाय पीती हूँ। अभी मैं एक दो जगह प्रसाद दे के भी आ गई हूँ और थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ, बाकी जगह दक्ष जाएगा देखने देने के लिए, मैं आसपास में देख के आ गई, वो तो चले गए अभी खेलने के लिए। अब थोड़ा रेस्ट करती हूँ, पैरों में बहुत दर्द हो गया, बहुत काम कर लिया, अभी ऊपर गमलों में पानी भी डालना है, थोड़ी देर में डालूंगी, थोड़ा रेस्ट करती हूँ अब।